गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके आप सबको प्रणाम करते हुए आज एक खास विषय आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। वो विषय ये है कि सनातन धर्म में गुरु का महत्व क्या है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही साक्षात वो पर ब्रह्म स्वरूप है जिसके प्रकाश में, जिसके शक्ति से ये पूरी जगत जो है प्रकाशित हो रही है। ये बात हम समझते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है उसमें व्यक्तिनिष्ठ आराधना की बात नहीं बताई जाती है, उसमें तो तत्वनिष्ठा की बात कही जाती है कि तत्व क्या है। तत्व पर ब्रह्म स्वरूप एक ही है जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वही सृष्टि का आदि पुरुष है, वही सृष्टि का मालिक है, वही हमारा आपका मालिक है, वही हमारे आपके भीतर घट घट में है। तो ये बात हमको समझना होगा कि गुरु के रूप में ईश्वर हमें मिलते ज़रूर हैं, लेकिन वो गुरु ईश्वर नहीं होते। वो गुरु हमारे आप जैसे पंच महाभौतिक पिंड के अंदर बैठे हुए एक आत्मा होते हैं जो अपने भी प्रारब्ध को भोगने के लिए इस देह में आते हैं। और इस देह में चूंकि हमसे अधिक उनका अनुभव होता है, हमसे अधिक उनकी तपस्या होती है, हमसे अधिक उनके पास ज्ञान होता है, तो अपने जीवन यात्रा में अपने आसपास जुड़े लोगों को वो ज्ञान दे करके सबको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हम तमाम आश्रमों में देखे हैं कि ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, ऐसे ऐसे परंपरावादी लोग हैं जहाँ पर राम कृष्ण भगवान का तस्वीर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुदेव लोगों की जो चार चार पाँच पाँच पीढ़ियाँ हैं उनकी फ़ोटो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है। एक गुरु, दो गुरु, तीन गुरु, चार गुरु, जो लगातार चार पीढ़ी पांच पीढ़ी से आते हैं, और नाम क्या है? अद्वैत आश्रम। तो एक ऐसी परिपाटी हमको समझ में नहीं आता कि जहाँ पर राम कृष्ण के लिए जगह नहीं है, भगवान शिव के लिए जगह नहीं है, लेकिन पांच पांच गुरुओं का फोटो लगाते हुए कहा जाता है कि ये अद्वैत आश्रम है। ये देख करके मैं बहुत अचंभित होता हूँ। मैं आध्यात्मिक साधक और भक्तजनों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि किसी भी गुरु से जो आध्यात्म का जानकार है आप ज्ञान हासिल करिए, अपने जीवन को उज्ज्वल करिए, प्रकाशित करिए, अपने सफर में आगे बढ़िए, लेकिन अंधभक्ति मत करिए। सबसे सीखिए, सबको समझने की कोशिश करिए। आपके पास जो विवेक है वो भी इसमें सहायक तत्व बनेगा, सहायक साधन बनेगा। लेकिन अंधभक्ति अगर किसी गुरु की कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। गुरु का काम होता है एक भक्त को, एक जिज्ञासु को ईश्वर तक और तत्व तक पहुँचने का रास्ता बताए, साधन बताए, सिखाए। ये उसका प्रयोजन नहीं होता है, उसका उद्देश्य नहीं होता है कि अपने भक्तों को अपने आश्रम में बुला करके कमरा दे दे, उनको खाने की व्यवस्था कर दे, और जो घर में ज़िंदगी रहते थे वही ज़िंदगी अब आश्रम में रह रहे हैं, साथ में गुरुजी का काम देख रहे हैं, ऑफिस मैनेज कर रहे हैं। इन सब से मुझे बहुत चिढ़ होती है। आप मेरी बात कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरी बातों से आपको तकलीफ भी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन जो सत्य है वो यही है कि जो भक्ति का मार्ग है, जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, उसमें व्यक्ति चाहे वो गुरु हो चाहे जो भी हो, वो केवल मैसेंजर होता है, कम्युनिकेटर होता है, वो हमारा साथ ही नहीं होता, वो हमारा लक्ष्य नहीं होता। हम अपने आसपास ऐसे तमाम भक्तों को देखते हैं, श्रद्धालुजनों को देखते हैं जो अपने गुरु का नाम ही जपते रहते हैं। अरे भैया, गुरु खुद देह में आए हैं अपने कर्मफल को भोगने के लिए। अगर वो मुक्त होते तो किस लिए आते? कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसका कर्म बंधन जो होता है उसके कारण उसको देह की प्राप्ति होती है, और जब वो अपने कर्मफल को भोग लेता है निष्काम भाव से कर्म करते हुए तो मुक्त हो जाता है। तो मेरा सिर्फ आप सबसे आग्रह है कि यदि कोई गुरु अपनी भक्ति में आपको लगाए, अपना कैलेंडर, अपनी फोटो दे, या फिर आपके मन में खुद इस तरह का विचार हो कि चलो ठीक है गुरु जी की भी फोटो लगा देते हैं, भैया गुरु जी की फोटो मत लगाओ। गुरु जी का अपने दिमाग में ज्ञान लगा के रखो, देखने के नजरिए में, सोचने के नजरिए में बदलाव लाइए। गुरु जो ज्ञान बता रहे हैं उस पर अमल करिए, तब जाकर के हम आध्यात्म के मार्ग पर सफल होते हैं। कहने का आशय तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने भीतर अपने मन को किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति में मत लगाइए, भगवान के प्रति भक्ति में लगाइए। भगवान को जानने की समझने की कोशिश करिए, तत्व को जानने की कोशिश करिए कि आध्यात्म में किन बातों का निरूपण किया गया है, किस तरीके से उसको अपने जीवन में हम आत्मसात कर सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब तत्वनिष्ठ हों, सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है उसमें हम सब लगे रहें, ये व्यक्तिनिष्ठ पूजा पाठ की जो परिपाटी है, आश्रम संप्रदाय के नाना प्रकार जो हैं, इनके जंजाल से हम मुक्त हों और जो परम तत्व हैं उसका अनुभव करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।